नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन अपने स्टूडेंट का टेस्ट कैसे ले सकते हैं। वैसे ऑनलाइन टेस्ट लेने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी है, बहुत सारे माध्यम भी है, बहुत तरीके से ले सकते हैं, लेकिन ये जो आपको तरीका बताने वाला हूँ वो सबसे ईजिएस्ट मेथड है। सबसे आसान तरीके से आप अपने बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, उसका डाटा भी आप अपने पास रख सकते हैं, उस डाटा को एक्सेल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस एक्सेल फॉर्म की मदद से आप उन बच्चों का मार्कशीट भी तैयार कर सकते हैं। अगर ये सभी बातों को आपको जानना है तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम को ओपन कीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो गूगल क्रोम है वो आपके गूगल अकाउंट से लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। अब हम डालते हैं सबसे पहले इसमें गूगल फॉर्म्स। देखिए सबसे ऊपर आ गया गूगल फॉर्म्स, इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे हम गूगल फॉर्म को क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप देखिए सेकंड नंबर पर लिखा है गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, ये इंटरफेस रहेगा आपका। इसमें दो चीज़ें दे रखी है, एक तो पर्सनल और दूसरा दे रखा है बिजनेस। आप पर्सनल वाले बॉक्स में जो गो टू गूगल फॉर्म है उसको क्लिक करेंगे। चलिए अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर तीन डॉट जो है राइट हैंड टॉप पर जो तीन डॉट है उसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो डेस्कटॉप साइट है उसको ओपन कर लेंगे। डेस्कटॉप साइट को ओपन करेंगे तो इस प्रकार का आपके पास डिस्प्ले आएगा, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे, देखिए ये लिखा है टेम्पलेट्स गैलरी, आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे आप टेम्पलेट्स गैलरी को क्लिक करते हैं तो इतनी सारी आपके पास चीज़ें आ जाती है, इनमें से कोई से भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे जाइए सबसे नीचे और ब्लैंक क्यूज और यहाँ पे जो एजुकेशन लिखा है आप उसको क्लिक करिए। चलिए इस समय आप आ चुके हैं उस पेज पर जहाँ पर आपको अपना पेपर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम ब्लैंक क्यूज लिखा उसके ऊपर जाएंगे और इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम या कोचिंग का नाम जो भी आपका है वो डाल सकते हैं। मैंने डाला यहाँ पे ASP, ये मेरी कोचिंग का नाम है एकमी स्टडी पॉइंट, तो मैंने डाल दिया। नीचे उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं या और कुछ आपको डालना है तो डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला क्लास टेस्ट चैप्टर 1 एंड 2, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। उसको क्लिक करके आप लिख सकते हैं कि नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, आप चाहे तो यहाँ रोल नंबर भी बोल सकते हैं, नेम रोल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए रिक्वायर्ड लिखा है यहाँ पे, इस रिक्वायर्ड को हम थोड़ा ऐसा कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड हो गया। इसका मतलब ये बच्चे को इसका आंसर जरूर देना है। अब चलते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है बगल में, तो आप जो ऊपर प्लस का साइन दिख रहा है उस प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और फॉर्म आ जाएगा। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, आपने नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख दिया तो आप क्लास चाहिए आपको तो क्लास लिख दीजिए, CLASS क्लास, ठीक है। अब इसमें आपको कोई ऑप्शन तो देना नहीं है, आप यहाँ ये जो मल्टीपल चॉइस पहले से आ रहा है उस मल्टीपल चॉइस को क्लिक करेंगे तो ऊपर सबसे ऊपर देखिए शॉर्ट आंसर लिखा, शॉर्ट आंसर को क्लिक कर दीजिए। इसका मतलब आपको उसमें सिंगल आंसर देना बच्चे को, इसलिए वो लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसको रिक्वायर्ड करेंगे क्योंकि ये भी हमें ज़रूरी है कि बच्चा किस क्लास का है। फिर से हम ऊपर जाएंगे, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, एक और प्लस करेंगे, फिर से एक नया एक विंडो आ गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब डालेंगे सेक्शन, ठीक है, सेक्शन डाल दिया। अब सेक्शन अपने पास कितने हैं वो सारे सेक्शन डाल सकते हैं, जितने भी आपके स्कूल में जितने सेक्शन हैं जिस क्लास के आप डाल सकते हो। जैसे मैंने डाला यहाँ पे ए, ठीक है। फिर ये देखो ऑलरेडी यहाँ आ गया एट ऑल, ABCD सब लिखा आ गया ऑलरेडी, तो आप डायरेक्ट उसको क्लिक कर देंगे तो ABCD एक साथ आ जाएगा, अदरवाइज आप एक एक करके भी डाल सकते हो। यहाँ पर भी हम जाएंगे इधर और रिक्वायर्ड को क्लिक कर देंगे। इसका मतलब इन सभी लोगों के, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हमें ज़रूर देना है। तो इसका मतलब ये हमने फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड पेज पे जाना है तो ये जो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं उसके सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से सेकंड पेज शुरू हो गया आपका, ओके। अब फिर से लिखा अनटाइटल्ड सेक्शन, तो हम यहाँ पर सेक्शन डाल देंगे। हम क्या करना, क्या यहाँ पर, तो हम लिखेंगे ऑल, ठीक है, ये हमने ऑल द क्वेश्चन सारा कंपल्सरी डाल दिया, ओके। अब हम जाते हैं वापस, ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन जो ऊपर है प्लस का साइन उसके ऊपर जाते हैं और ये यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्वेश्चन डालना शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, हाउ मैनी क्वाड्रेंट आर इन अ प्लेन, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन वन है, इसमें जो भी आप डालना चाहें, जैसे मैंने वन डाल दिया। फिर जो एड ऑप्शन आ रहा है उस पर जाइए और आप यहाँ टू डाल दीजिए। फिर एड ऑप्शन आ रहा है आपका, उस पर जाके आप यहाँ पे फोर डाल सकते हैं। फिर एड ऑप्शन आ रहा है, देखिए आप फिर से
एक एड ऑप्शन पर गए, यहाँ पे हम सिक डाल देते हैं, तो ये हमने चारों ऑप्शन यहाँ डाल दिए। अब हम चाहते हैं कि हमारा को कापी चेक ना करने पड़े, वो खुद ही सिस्टम ही कापी चेक कर दे, तो यहाँ नीचे देखिए आंसर की लिखा हुआ, इस आंसर की को आप प्रेस करिए। जैसे आप आंसर की को प्रेस करते तो यहाँ ऊपर आता, देखिए पॉइंट्स 0 पॉइंट लिखा है कि वो कितने नंबर का आप ये क्वेश्चन देना चाहते हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिए 1। ठीक है, इसका मतलब 1 नंबर का आपने क्वेश्चन दे दिया है। अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, यानी पहले से हम सिस्टम को बता रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है। बच्चों को नहीं दिखेगा लेकिन हमको ये पता चल जाएगा, कापी खुद ब खुद चेक हो जाएगी। तो हमको मालूम है कि कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो हमने 4 को क्लिक कर दिया और यहाँ जाके हम लास्ट में क्या कर देंगे, डन। ये डन हो गया, ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर से कहाँ जाएंगे, फिर से वही प्लस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ये प्लस वाले ऑप्शन पर गए, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, अब इसके हमको आंसर देना है। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर लिखा तो इसको मल्टीपल चॉइस करेंगे, इसको क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप ये जाएगा मल्टीपल चॉइस। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा क्या है, 1/2b(h), ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकेंड ऑप्शन हम देंगे 1/3b(h), फिर हम थर्ड ऑप्शन पे चलेंगे, इस पर लिखेंगे 1/4 और b(h), और फिर फोर्थ ऑप्शन पे चलेंगे, उसके लिखेंगे 1/b(h)। ये हमने सारे चारों ऑप्शन लिख दिए। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे, अब आंसर की पे जाएंगे, ये आंसर की हो गई आपकी, आंसर की में फिर से 0 आ रहा है, यहाँ 1 डाल देंगे। अब आपको ये देखना है कि इसका सही आंसर कौन सा है, तो सही आंसर इसका कौन सा आपने को पता है, 1/2b(h) है, इसको हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, डन। ये हो गया आपका डन। इस तरह से आपने अपना क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि वो बच्चों को किस प्रकार से दिखेगा, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ऊपर देखिए आई बटन है, यहाँ पर बीच में आई, ये जो सेंड है उसके सेकेंड नंबर पर लिखा है, उस आई बटन को हम क्लिक करते हैं। आई बटन क्लिक करते हैं, इस प्रकार का पेपर बच्चों के सामने आएगा। ये पहले जो रिक्वायर्ड फील्ड है पहले वो भरेंगे, इसके बाद वो नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, फिर अगला वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो कर सकते हैं बच्चे। चलिए अपन वापस अपने पेज पे चलते हैं। अब हम चलते हैं सेटिंग ऑप्शन पे, ये जो सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है इसको हम क्लिक करेंगे, सेटिंग्स देख लेंगे क्या क्या है। दूसरे जो लिखा तो उसको आप टिक कर दीजिए, मतलब यहाँ पर बच्चा एक ही बार इस क्वेश्चन पेपर को कर सकता, दूसरी बार करेगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया, इसको हम कर देते हैं क्या सेव, ये हमने सेव कर दिया। फिर से हम जाते हैं सेटिंग पर, सेटिंग में अब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन को। प्रेजेंटेशन में देखिए यहाँ लिखा सफल क्वेश्चन, तो यहाँ सफलिंग क्वेश्चन कर देते हैं, मतलब सबको सही बच्चों को अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, इसको भी सेव करते हैं पहले, ये सेव कर दिया। अब फिर से एक बार और चलेंगे सेटिंग्स के ऊपर और अब क्यूज़ पर जाएंगे। जैसे हम क्यूज़ पर जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है मेक दिस अ क्यूज़, क्या आप इसको क्यूज़ बनाना चाहते हैं, तो यस हम इसको क्यूज़ ही बनाना चाहते हैं। और ये बाकी की सेटिंग है उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, इससे क्या होगा कि बच्चों को ये पता चल जाएगा कि उसने कौन से क्वेश्चन सही किए, कौन से गलत किए, उसको कितने मार्क्स मिले, सारी चीज़ इससे पता चल जाएगी। अब यहाँ पर हम कर देते हैं सेव। ठीक है, इस तरह से हमने सारा कुछ यहाँ पर कर लिया है। ओके, हमारा पेपर भी बन गया, हमने सारी सेटिंग भी कर ली है। अब हम चलना अब हमको चलना है सेंड पर, तो यहाँ पर हम करते हैं सेंड। जैसे हम सेंड करते हैं तो इस प्रकार का डिस्प्ले बॉक्स आपके पास आएगा। ठीक है, इसमें आप बोल इसमें आपसे पूछा कि क्या आप ईमेल के थ्रू बच्चों को सेंड करना चाहते हैं, तो हम नई ईमेल के थ्रू नहीं करना चाहते, हम सेकंड नंबर के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए URL लिखा हुआ है, ये बहुत लंबा URL है, हम इसको पहले छोटा कर लेते हैं, ये शॉर्टन URL को क्लिक करके इसको छोटा कर लेते हैं, ये अब छोटा हो गया। और ये बगल में कॉपी का जो साइन है, देखिए कॉपी का, इस कॉपी से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये आपका लिंक कॉपी हो गया। अब हम आते हैं वापस बाहर और हम चलते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, ये हमारा व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पर हमने क्या करा, जो भी हम बच्चों को भेजना है उस तरह से हम इसको भेज सकते हैं। ठीक है, ये हमने भेज दिया। अब जितने भी ग्रुप में आप भेजना चाहते हो उतने ग्रुप में आप इसको भेज सकते हो। ओके, अब चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ बच्चे के मोबाइल पे, यानी बच्चों के अकाउंट पे, बच्चों के व्हाट्सएप पे, कि बच्चों को वो किस प्रकार से दिखेगा और किस प्रकार से वो उसको सॉल्व करेंगे। चलिए मैं अब आपको स्टूडेंट के मोबाइल से बताऊंगा कि किस प्रकार से उसको लिंक आई है और वो उस लिंक को किस प्रकार से ओपन करके और अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेगा। देखिए लिंक है, इसको मैं क्लिक करता हूं, ये देखिए ये आ गया आपके पास पूरा। अब सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है, क्लास लिखी, तो मैं पहले क्लास लिख देता हूँ, क्लास मेरी 9th है। ओके, इसके बाद लिखा है नेम,
तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नेम, ओके। इसके बाद सेक्शन पूछा है तो सेक्शन में डाल देता हूँ, ओके। इसके बाद मेरे को जाना है नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है। हमें मालूम है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2b/h होता है, तो मैं फर्स्ट को क्लिक करूँगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी क्वाड्रेंट आर इन अ प्लेन, तो इसका आंसर कितना होता है आपको मालूम है, 4 होता है, तो मैं 4 को क्लिक कर दूँगा। इसके बाद क्या करना, मुझे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर एज ए स्टूडेंट मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे क्या आंसर आया, मेरे कितना स्कोर बना है, तो मैं व्यू स्कोर पर चले जाऊँगा और व्यू स्क्रीन पे देख लूँगा मैं कि मेरे पास कितने आए हैं, कितने नंबर आए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा करेक्ट था, सेकंड क्वेश्चन भी मेरा करेक्ट था, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे 2 में से 2 आउट ऑफ 2 आए हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चा खुद भी देख सकता है कि उसके मार्क्स कितने आए हैं। चलिए अब हम चलते हैं वापस टीचर के अकाउंट पर, देखते हैं कि बच्चों ने क्या क्या रिस्पॉन्स दिए, किस प्रकार से इस क्वेश्चन पेपर को उन्हें सॉल्व किया है। चलिए तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, अब हम देखते हैं रिस्पॉन्स पर कितने बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया है। तो रिस्पॉन्स वाला ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करेंगे, देखिए रिस्पांस आ गया यहाँ पे। अभी 29 जो स्टूडेंट है उन्होंने रिस्पांस किया है। इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों का परफॉर्मेंस रहा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 29 बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, 25 ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। अगर सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है और 21 ने इसको करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके पास पूरी समरी आ गई। लेकिन आप इस प्रकार की समरी तो रखेंगे नहीं अपने पास, और ना ही आप अपने जो अथॉरिटी है उसको इस प्रकार के समरी भेजेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक प्लस का साइन दिख रहा है आपको, ये तो इस प्लस के साइन पे जाएंगे। यहाँ पे वो आपसे अकाउंट पूछेगा जिस अकाउंट के थ्रू आपको इसको ओपन करना है, तो मैंने अपना अकाउंट डाल रखा है, इसको ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आ गई है, जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट दिए हैं उन सभी बच्चों का टेस्ट का आ रहा है। देखिए कब कब उन्होंने टाइम भी डाला है यहाँ बाकायदा, किस टाइम पे दिया है, इसके बाद उनको कितने कितने मार्क्स मिले हैं, ये मार्क्स भी आ गए बगल में, स्कोर जो लिखा है यहाँ पर। इसके बाद उनके नेम आ रहे हैं, सभी बच्चों के नेम लिखे हैं, किस क्लास के थे, 9th क्लास के थे सभी। इसके बाद सभी के सेक्शन लिखे हैं, किस सेक्शन का कौन सा बच्चा था, और उन्होंने क्या करा है कि फर्स्ट क्वेश्चन को कितने लोगों ने करा, सेकेंड क्वेश्चन को कितने लोगों ने करा, सभी कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये आपकी एक्सेल फाइल हो गई। लेकिन आपको मान लीजिए ये तो आपने अपने मोबाइल में एक्सेल फाइल देखी है, लेकिन अगर ये एक्सेल फाइल को आप अपने अथॉरिटी को भेजना चाहते हैं तो किस प्रकार से भेजेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर राइट हैंड टॉप पे 3 डॉट है, उसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर लिखा शेयर एंड एक्सपोर्ट, तो हम शेयर एंड एक्सपोर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए शेयर एंड एक्सपोर्ट के बाद लिखा है, यहाँ पर प्रिंट भी लिखा है, सेव भी लिखा, सेड कापी, बहुत सारी चीज़ें लिखी है। आप पहले क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, तो मैंने सेव कर लिया। अब सेव किस में करेंगे, हम एक्सेल फाइल में करेंगे, तो मैंने एक्सेल फाइल में इसको सेव कर लिया। ये एक्सेल फाइल में इस समय सेव हो चुका है, ये देखिए एक्सेल फाइल बन चुकी है। अब ये जो एक्सेल फाइल बनी है इसका अगर मुझे प्रिंट लेना है तो फिर से मैं राइट हैंड टॉप पे 3 डॉट पे जाऊंगा और ये शेयर एंड मूव के ऊपर, शेयर एंड एक्सपोर्ट पे जाके, एक्सपोर्ट पे जाकर ये प्रिंट ऑप्शन जो है, इस प्रिंट ऑप्शन को मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से सारा कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।